बालाकोट भी सिंह किया है, जाता है। उनको आज पूरा देश सुनना चाहेगा। शहजाद आप भी सुनिएगा, मैं भी सुनना चाहूंगा, क्योंकि फोर्सेस के मोरल पर कितना बुरा असर पड़ता है। आज अभी मैं बात कर रहे हैं, अगर बाई चांस ये डिबेट अगर मेजर संदीप उन्नीकृष्णन का कोई परिवार से कोई देख रहा हो, या तुकाराम उमले के परिवार से कोई देख रहा हो, उनके 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 दिलों पर क्या बीत रही होगी कि सोचिए उन्होंने देश के लिए शहादत दे दी और उन देश के दुश्मनों से बदला नहीं लिया गया पॉलिटिक्स के चक्कर में। मतलब ये हरिसेन सिंह सर, आप मुझे बेहतर समझा सकते हैं, फोर्सेस के मोराल पर क्या बूस्ट, मतलब क्या असर पड़ता है, नंबर एक। नंबर दो, ये पॉसिबल है क्या कि पॉलिटिकल रीजंस की वजह से हम देश के दुश्मनों को छोड़ देते हैं? होता है, पॉसिबल होता है सर ये, हरिसेन सिंह? देखिए, शायद ये बहुत कम लोगों को इस बात का ज्ञान होगा कि जब 26/11 हुआ था तो उस समय ये पहला रिस्पांस किसकी तरफ से होना चाहिए था, होम मिनिस्ट्री की तरफ से। मतलब ये तो जाहिर सी बात है, लेकिन आपको मालूम है कि और होम मिनिस्ट्री में वो वॉर रूम कौन संभालता है, होम सेक्रेटरी और उनकी पूरी टीम। जी। अब आपने कभी पता लगाया कि आपकी ये पूरी वॉर रूम उस समय जब 26/11 हुआ तो कहां पे थी? पूरी वॉर रूम पाकिस्तान में थी। द होम सेक्रेटरी विद द एंटायर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ऑफिशियल्स, वो लोग पाकिस्तान में थे उस समय जब हमला हो रहा था, और वहां से पाकिस्तान मेहमान नवाजी जो कर रहा था इनको मरी ले गया, और मरी से इनको कोई टेलीफोन से भी इनका कोई संपर्क नहीं था। एक उसमें आईबी के ऑफिशियल थे, राजेंद्र कुमार, वो भी थे उस टीम के हिस्सा। उन्होंने, उनको कुछ भनक लग गई थी कि कोई साजिश चल रही है यहाँ पे, तो वो कोई बहाना करके वो हिंदुस्तान चले आए थे। बाकी आप लोग मीडिया के लोग हैं, आपको भी एक थोड़ा पता लगा लीजिए कि जिस समय 26/11 का ये पहला ये शुरू हुआ, उस समय आपका एक इंडियन विमेन प्रेस कोर का एक अलग बिल्डिंग है आपके मीडिया पर्सनल का। उस समय शाह मोहम्मद कुरेशी उस समय भी थे, वो वहां के इंडियन विमेन प्रेस कोर को वो एड्रेस कर रहे थे, क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा था। उनको किसी कान में आके कहा, शायद कहा कि शुरू हो गया है। फिर भारत की सरकार ने शाह महमूद कुरैशी को एक स्पेशल हवाई जहाज दी यहां से पाकिस्तान जाने के लिए। ये कौन सा फिक्स्ड मैच था सर, ये कौन सा फिक्स्ड मैच था? देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि पाकिस्तान मिलिट्री इंटेलिजेंस का नियंत्रण, माफ कीजिएगा बहुत सख्त बात बोल रहा हूं, नियंत्रण केवल पाकिस्तान की राजनीति पर नहीं है। अभी तहरीके लबैक को उन्होंने क्या किया, दर्जनों पुलिसमैन मारे, 6 बार वो इस्लामाबाद की तरफ कूच किया पाकिस्तान मिलिट्री के बाजवा के इशारे पे, उसके बाद उनको रिहा कर दिया उसके लीडर को, और अब उनको मेन स्ट्रीम कर दिया। अब वो पाकिस्तान सेना का एक पॉलिटिकल विंग बन गया, तो वहां तो पूरा नियंत्रण है, और यहां भी नियंत्रण बहुत बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आपने फिक्स अभी मैच, जब फिक्स मैच कैसे कहा? जी सर बोलिए बोलिए। फिक्स मैच आपने कैसे कहा, अगर आप थोड़ा सा और समझा पाए, फिक्स मैच मुंबई हमला फिक्स मैच। सर जी मैं आपको कह रहा हूं कि आपकी पूरी वॉर रूम जिसको निर्णय लेना था कि रिस्पॉन्स क्या होगा वो पाकिस्तान में थी। मधुकर गुप्ता होम सेक्रेटरी थे, पूरी मिलिट्री जो एमएचए की टीम जो थी जिनको मिनट टू मिनट निर्णय लेना था, आपकी वॉर रूम पाकिस्तान में थी उस समय। कृपया पता लगा लीजिए, अगर मैं गलत हूं तो मैं टेलीविजन वो कहेंगे पता थोड़ी ना था अटैक हो जाएगा। क्या उनका पक्ष ये होगा, पता थोड़ी ना था अटैक हो जाएगा? तो पता तो इस तरह की अगर आप जिरह करेंगे तो फिर शाह मोहम्मद कुरैशी यहां पर क्या कर रहे थे, उनको भी पता नहीं था? नहीं पता होना वो क्या मतलब, वो मेरी गलती है आपकी गलती है? अगर आपको उसी समय अगर मान लीजिए ऐसा कुछ हो गया तो उनको अगले फ्लाइट से यहां चला आना चाहिए था, लेकिन उनको तो मरी ले गया गया, और मरी में तो ये लोग क्या कर रहे थे वहां पे मैं नहीं जानता। राजेंद्र कुमार वापस आ गया था, उनको भनक मिल गई थी इस बात की कि कुछ 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 गड़बड़ चल रहा है, ये फिक्स्ड मैच चल रहा है। तो ये देखिए ये अब अच्छा आप एक बात बताएं कि बिहार का मुख्यमंत्री का कोई बॉर्डर नहीं है ना पाकिस्तान से,
वो पाकिस्तान का क्यों दौरा करता था? लालू प्रसाद यादव ने भी किया, नीतीश कुमार ने भी किया, कोई तो कल्यूजन होगा ना कि यहां वहां जाने से कुछ यहां में कुछ लोग हैं जो कि खुश होते हैं। और बाकी ये शहजाद भाई ने तो पूरा बता ही दिया आपको। आप कह रहे हैं कि एमएचए की टीम पाकिस्तान में और शाह महमूद कुरैशी दिल्ली में, ये संयोग था या प्रयोग था? इतना बड़ा इत्तेफाक, इतना बड़ा